सो हेलो पुकी फैंस, आप सभी का स्वागत है अंदर पोकेमॉन रेड एडवेंचर चैप्टर एपिसोड के अंदर। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कर लेना। और पसंद आते एपिसोड तो लाइक कर देना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते सीधा आज के गेम प्ले की तरफ, डाइव इन करते हैं गेम के अंदर और चेक करते हैं कि कौन सी जर्नी हमारे सामने लिखी हुई है आज के एपिसोड में। तो चलते हैं गेम के अंदर, डाइव इन कर लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर। जैसे आपको पता रहेगा अगर आपने प्रीवियस एपिसोड चेकआउट कर लिए रहेंगे, और हमारे जो मतलब यार अगर आप हमारे प्रॉपर व्यूअर रहेंगे, आपने हमेशा मेरे सारे एपिसोड्स देखे रहेंगे, तो हम लोग हैं सेलोडॉन सिटी के अंदर। हम लोग घुस जाते हैं गेम कॉर्नर के अंदर। यहाँ पे एगेता भी है, ब्लू भी है, जो हमारी मुझे लगता है नहीं बिल्कुल मदद करने वाला है। लेकिन हम लोग अभी टीम रॉकेट के मेंबर के साथ बात कर लेंगे, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ पे खाली टीम रॉकेट के मेंबर अलाउ है। तो हम लोग को यहाँ पे टीम रॉकेट का यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन है। और मेन चीज़ वही है कि अगर यूनिफॉर्म मिल भी जाता है तो उसके बाद वैसे भी हम लोग अंदर जाके बैटल करने वाले, तो इसके साथ हम लोग बाहर से बैटल क्यों नहीं करते। यहाँ पे आना है, यहाँ पे हम लोग को ये टीम रॉकेट का अकेले मेंबर मिल रहा है, तो उसके साथ पहले बात कर लेते हैं। और ये बंदा ज़रूर बैटल करेगा क्योंकि यही बंदा मुझे देगा यूनिफॉर्म। यस, मुझे लग रहा है कि ये बंदा हम लोग को यूनिफॉर्म पकड़ा देगा कैसे भी करके। और या आइस बीम करके हम लोग ने एकेंस को तो हरा दिया है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे जाके हम लोग को ये जो बैटल्स है थोड़े से ज़्यादा टफ होने वाले हैं। और क्योंकि हर एक बंदे के लेवल इंक्रीज़ होने वाले हैं, और हम लोग जैसे कि अभी सेलोडॉन सिटी के अंदर है ही, उसका जिम लीडर तो प्लेस पे है नहीं, और हम लोग अभी हील करेंगे क्योंकि बड़ी बैटल होने वाली है। हम लोग हेडक्वार्टर्स के अंदर डायरेक्टली जाने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें ढूंढ लेते पहले, तो यार है कि नहीं है। यस डेफिनेटली फैशन किसके अंदर होगा यार, शायद से फैशन बॉक्स के अंदर। यस फैशन बॉक्स के अंदर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। स्पेशल के अंदर कुछ भी नहीं हमारे, फिर से एक बार फैशन बॉक्स में जाना पड़ेगा हम लोगों को। फैशन बॉक्स नहीं, नहीं फैशन बॉक्स, अरे यार ऊपर एक फैशन बॉक्स यूज़ कर लेते उसको। और टीम रॉकेट, यस रॉकेट। तो इसी के साथ हम लोग ने टीम रॉकेट के कपड़ों में चेंज तो कर लिया है खुद को, अभी बात कर लेते इस बंदे के साथ। तो ये बंदा हम लोग को अंदर लेके गया है, तो इसने थोड़ी सी खुदकशी कर ली है। और ये लोग बात कर रहे हैं म्यू के कंटेन के बारे में, तो मुझे लगता है कि म्यू का डीएनए इस चेंबर्स में हो सकता है, तो हम लोग को उसके बारे में तो धीरे धीरे पता चलने ही वाला है इन सारी चीज़ों के बारे में। अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग, दिस इज सक्सेसफुली क्लोन ऑफ अ म्यू। तो डेफिनेटली आपको पता रहेगा कि टीम रॉकेट के मेंबर म्यूटू बनाने की कोशिश कर रहे थे बहुत सालों से, और उसकी हेल्प जो की थी हमारे ब्लेन मास्टर ने की थी। और ब्लेन यहाँ पे कुछ चीज़ें बात कर रहा है, जो बात कर रहा है ब्लू के बारे में। और सडनली आई डोंट रियली हेट दैट गर्ल ब्लू एनी मोर, व्हाट्स दैट म्यू दे कीप टॉकिंग अबाउट। तो हम लोग का जो ब्लू के बारे में थोड़ा हेट था वो तो कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग को पता चल चुका है कि ब्लू भी हमारे साइड पर टीम रॉकेट को रोकने की बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रही है वो बंदी। और सारे बंदे चले जा चुके हैं सेक्टर की तरफ, और ये सेक्टर कहाँ पे मिलने वाला है वो चीज़ हम लोग को पता नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग को वो चीज़ तो पहले ढूंढनी पड़ेगी एज अ टीम रॉकेट मेंबर, क्योंकि ये सारे मेंबर हम लोग को वहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़े से पोकीबॉल भी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे TM21, और उसके बाद हम लोग पहले हेडक्वार्टर्स को पूरी बार चेकआउट करेंगे, उसके बाद ही वो सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है राइचू, क्योंकि इस बंदे ने हम लोग को चैलेंज किया है, सॉरी इस बंदी ने हम लोग को चैलेंज किया है। यहाँ पे हम लोग ड्रेन पंच यूज़ करके राइचू को हरा सकते हैं, क्योंकि ड्रेन पंच इफेक्टिव होता है किसी भी देखा जाए तो थंडर टाइप पोकेमॉन के खिलाफ। और इस बंदे ने वैसे हम लोग को अभी चैलेंज किया है नए वाले। और इसके बाद है टॉरस, तो पे बैक यूज़ कर रहा है जिसका कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला। वैसे मैं हिप्नोसिस ट्राई इसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये हेडक्वार्टर कितना बड़ा होगा पता नहीं, और उस हिसाब से मुझे अभी फिर से एक बार जाना नहीं है पोकेमॉन सेंटर के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा फेरी हो जाती है उसके बाद पक जाते हैं हम लोग। तो उसके वजह से मैं रोकना चाहता हूँ इस चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन सेंटर में ना जाएं हम लोग। और उसके लिए एक ही बेस्ट चीज़ है, आपके पोकेमॉन को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो उसके बाद बहुत अच्छी बात होगी। और यहाँ पे हार्श स्टॉर्म, जो ये अटैक है ना, इसने मुझे बहुत ही इरीटेट करके रखा है। पहले तो ये हार्श स्टॉर्म करता है, डैमेज तो देता है आपको, उसके बाद अगर आपका पोकेमॉन अपोजिट मतलब जेंडर का होगा तो डेफिनेटली वो उसको अट्रैक करेगा, और उसके बाद आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ भी इस गेम के अंदर थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। अनदर टॉरस, और यहाँ पे हम लोग ने अनदर ग्रंट को हरा दिया है। तो हम लोग अभी
पहले तो एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे रिवाइव है कि नहीं। यस डेफिनेटली रिवाइव है, पॉली को देंगे क्योंकि वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है फिलहाल के लिए। वैसे सारे पोकेमॉन्स इंपॉर्टेंट है ज़रूर, लेकिन पॉली के पास जितना एक्सपीरियंस है ना गाइस, उतना अभी तक किसी पोकेमॉन्स के पास है नहीं हमारे। तो अभी हम लोग पहले वाटर गन यूज़ करेंगे और ग्रैवलर को हरा देंगे। इसके लिए मैंने पॉली को काइंड ऑफ रिवाइव दिया था क्योंकि मुझे लगा था वो फ्यूचर में ज़रूर यूज़ होगा। और इन लैडर को चेक कर लेते क्योंकि यहाँ पे इन लैडर्स को ब्लू ने चेक नहीं किया था क्योंकि उससे पहले ही हम लोग एक अलग सेक्टर के अंदर घुस गए थे। तो यहाँ पे इन लोगों से बैटल कर लेंगे और खुद के एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ याद रखना गाइस इस गेम के अंदर कि अगर आप ब्लू या ग्रीन खेल रहे हो तो ट्राई करना कि ज़्यादा मिशन पे और कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आप बैटल करते हो तो वैसे भी उनके लेवल बढ़ने वाले हैं, तो ये जो बंदे फिर से हमारे साथ बैटल करेंगे उसकी कुछ भी गारंटी मैं नहीं देता। तो उसके हिसाब से सीधा मिशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, और अगर हम लोग रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोशिश करो, हर एक ट्रेनर के साथ बैटल करने की कोशिश करो। यहाँ पे अनदर ग्रंट को तो हम लोग ने हरा दिया है, तो ये ग्रंट भी हमारे साथ बैटल करेगी। और यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लड़के, और यहाँ पे हॉन्टर है तो हॉन्टर ने भी ऐसे ही पे बैक अटैक यूज़ करने की कोशिश की। शैडो पंच यूज़ कर रहा है लेकिन हम लोग ने दो आइस बीम के साथ उसको हरा दिया है। हम लोग को रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा फॉर अ वाटर गन, क्योंकि एक अच्छा खासा वाटर अटैक हम लोग को चाहिए जो सामने वाले पोकेमोन को हक्का बक्का रखते। तो यहाँ पे हमारा एक हैच हो रहा है गाइस, एक में से कौन सा पोकेमोन निकलेगा। यहाँ पे निकल गया है ग्रडिनी गाइस। तो जिस बंदों ने कमेंट किया था और जिन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिए थे, कुछ लोगों ने ग्रडिनी भी बोला रहेगा, कुछ बंदों ने कुछ अलग अलग सेक्शंस दिए थे, अच्छी बात है आपने अजम्पशन किया, उस हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वॉक थ्रू देख के कोई भी बता देगा इसके बाद ग्रडिनी आने वाला है। जिन बंदों ने खेला रहेगा तो उनको डेफिनेटली पता ही रहेगा इसके बाद से ग्रडिनी आने वाला है। हम लोग अभी यूज़ करेंगे इसको, मैं बोलूँगा टूथलेस क्योंकि मुझे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन बहुत ही पसंद है, तो उसके वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको टूथलेस नाम दूँ। लेकिन आप जब सजेस्ट करोगे तो उस हिसाब से इसका निकनेम रख दूंगा। तो आप फटाफट से सजेस्ट करो आपको क्या चाहिए ट्रेटेनी के लिए निकनेम। तो यहाँ पे अनदर ट्रेनर जिसके साथ हम लोग बैटल करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी मैं कोशिश इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि गारंटी नहीं दे सकता हम लोग कि इसके खिलाफ लड़ेगा, इसके खिलाफ जीतेगा हम लोग, यही तो चीज़ है गाइस। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी कौन सा भी ट्रेनर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है कि आपको डिफीट कर दे, और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ही बुरी बात है। तो गोल्ड बैट को हम लोग ने हरा दिया है। हमारा पिकाचू ज़रूर फिलहाल कैपेबल है कि वो तीनों के तीनों या फिर दोनों के दोनों या फिर छहों के छहों गोल्ड बैट को हरा पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल है हमारे एज़ कम्पेयर टू सामने वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स के, क्योंकि ग्रंट के हाथ में इतने ज़्यादा लेवल्स नहीं रहते। और अगर आपको पता है हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पे मैं बोला था, आप अगर यहाँ पे आते हो कुछ पोकेबॉल कलेक्ट कर लेते हो इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी ब्लू ने ले ली है। तो ये ज़्यादा चीज़ें मत करो। और इस टैंक के अंदर टिट्टो है, यस डिट्टो यहाँ पे बाहर आ चुका है। ये कौन सा डिट्टो है? ये शाइनी डिट्टो है। अगर आपको शाइनी डिट्टो चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ काइंड ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, इधर जाओ उधर जाओ। और इस बंदे ने पॉलीवेल में इवॉल्व भी हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया ये बंदा। तो अभी एक चीज़ है, इस पोकेमॉन को मैं पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, अभी याद आया मेरे को कि मेरे पास इतने ज़्यादा पोकेबॉल्स हैं, डेफिनेटली मेरे पास इतने ज़्यादा पोकेबॉल्स हैं नहीं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे हम लोग की लगने वाली है एक पोकेबॉल और एक डाइव बॉल है। तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग डिटो कैप्चर कर पाएंगे, और ये शाइनी डिटो आपको यहाँ पे मिलने वाला है ऐसे मुझे लगता है, इसके आगे तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। अगर मिल गया तो आपका लक या फिर मेरा भी लक हो सकता है अगर मुझे मिला तो। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आते हो तो कैरी करके चलो ज़्यादा से ज़्यादा पोकेबॉल्स। और मैं अभी ये चीज़ तो सीख गया हूँ, तो आगे के जर्नी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोकेबॉल कैरी करने की सोचूंगा। मोस्ट ऑफ मैं ग्रेट बॉल बाय करूँगा क्योंकि अभी पोकेबॉल्स का ज़्यादा मतलब नहीं बनता, उससे आप ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाओगे। ग्रेट बॉल और अल्ट्रा बॉल ही कैरी करो। यस गाइस, ग्रेट बॉल है 900 या 600 का, अल्ट्रा बॉल है 1200 का, लेकिन महंगा है लेकिन कम पैसे में ज़्यादा मिलेगा। और पोकेबॉल खाली है 200 का, लेकिन ठीक है भाई कितने पोकेबॉल्स यूज़ करोगे यार। तो फ्रोजन सॉलिड ज़रूर हुआ, सारे पोकेबॉल्स भी खत्म हो गए। आइस बीम यूज़ करके इसको रैपअप कर देते हैं। यस गाइस, मैं डिटो को नहीं पकड़ पाया, सॉरी फॉर डैट, लेकिन आप पकड़ पाओगे अगर आप ये गेम प्ले खेल रहे हो तो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के दिया हुआ है, गेम का लिंक। गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड करना प्लीज़ गाइस, गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड करना, क्योंकि दूसरा जो लिंक है उसका गारंटी मैं नहीं देता क्योंकि मैंने खुद से गूगल ड्राइव से डाउनलोड किया है। उसके बाद एक प्रॉपर मेरे को GBA वर्जन मिला है और कुछ बग्स है इसके अंदर जो हम लोग ऑलमोस्ट मैं रास्ते में चलते चलते आपको बताते ही रहता हूँ उसका कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इन बग्स को। उसमें से 2-3 बग्स तो हम लोग ने खुद ही अभी गेम खेलते खेलते सॉल्व भी कर दिए हैं प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर। तो ज़रूर एपिसोड चेकआउट करो गाइस। और यहाँ पे अनदर ट्रेनर जिसके साथ हम लोग बैटल करने की कोशिश करेंगे, वैसे इसके पास है बीजिंग। तो हिप्नोसिस यूज़ करके मैं सोच रहा हूँ कि
हम लोग पिकाचू पे शिफ्ट करें और थंडरबोल यूज करें। जैसे में मैंने प्रीवियस एपिसोड्स के बताया है कि एकेंस और कॉफिन को हराना है तो हमेशा ऐश के पिकाचू का टैक्टिक्स लेके चलो, थंडरबोल यूज करो ज्यादा से ज्यादा, तो उससे इन दोनों को ज्यादा ही हार्म हो जाता है। वैसे आप क्या यूज करते हैं आप मुझे फिर से बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको एकेंस या कॉफिन को हराना है तो। वैसे एक एकेंस नहीं है, मैं कॉफिंग्स बोला हूँ, बहुत सारे कॉफिंग होते हैं यार इसके पास, ग्रंट के पास तो बहुत ज़्यादा कॉफिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार ये झगमगाते झज्जे जिनका कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला, यहाँ पे आना तो ग्रंट जो है बॉक लेके आया है, तो हिप्नोसिस यूज़ करेंगे और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ड्रेन पंच दे दूँ क्योंकि मेरी एच पी बहुत ही कम है, एच पी फुल भी हो गई हमारी और वाटर गन यूज़ करते हैं। थैंक यू अरबॉक। तो अरबॉक ने हम लोग को एच पी भी दे दी, ग्लूम आ गया है तो आइस भी यूज़ करेंगे। आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता रहेगी कि बक और आइस ग्रास के खिलाफ आइस टैप अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते, तो उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। और हमारे बल्बा को हो चुका है 26 लेवल का फीवर क्योंकि वो पहुँच चुका है 26 लेवल पे। तो यहाँ पे अनदर नोट है जिसको पढ़ के देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस बंदे से बैटल कर लेते हैं। और मुझे लगता है ना इस नोट को पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इस नोट को हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो ग्रीन थी वो उल्टे साइड से घुसी थी, वो स्ट्रेट साइड से नहीं घुसी थी, तो उसके हिसाब से तो इसने हम लोग ने ऑलरेडी ये नोट पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक चेकआउट कर लूँगा। यहाँ पे गोल्ड बैट है और मैं बोलता हूँ कि गोल्ड बैट इतना भी बुरा पोकेमॉन नहीं जिसको आप कैप्चर कर सकते हो, और नहीं पढ़ते सीधा ऊपर चलते हैं। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे लगता है कि ये मेन फ्लोर हो सकता है जहाँ पे हम लोग को हमारा राइवल मिल सकता है, लेकिन वैसी बात नहीं है, हम लोग सीधा बाहर निकल गए यहाँ से। और ये फ्लोर बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, बहुत ही कंफ्यूजिंग। तो हम लोग को अभी सेक्टर की तरफ जाना है और चेकआउट करना है कि उस सेक्टर्स की तरफ क्या होता है, क्योंकि उसने सेक्शन के खिलाफ कौन से बुलाया है। मुझे लगता है यहाँ पे वो सेक्शन हो सकता है, यहाँ पे किधर तो रहेगा। डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जाके पहले मैं पोकेबॉल बाय करने वाला हूँ। यस, पहले मैं पोकेबॉल, यहाँ पे आपको टीएम्स मिलने वाले हैं जिसका बाद में यूज़ होगा, अभी फिलहाल तो नहीं होगा। जब आप एलीट फोर के बैटल के खिलाफ, मतलब एलीट फोर के खिलाफ बैटल करने जाओगे तब मैं आपको दिखाई दूंगा कौन सा टीएम क्या क्या है। अगर आपको चेक करना है तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप चेक करते हो तो मुझे बता देना कौन सा टीएम क्या क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट टाइम जब गेम प्ले खेलूंगा एलीट फोर के खिलाफ तो मैं पढ़ूंगा नहीं यार, तो मेरा भी टाइम बच जाएगा और आपका भी नॉलेज शेयर हो जाएगा। मैं भी आपको नॉलेज से नहीं पोकेमॉन नॉलेज शेयर कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे तो जिम क्लोज है तो मुझे लगा जिम के अंदर मिलने वाले, मुझे लगा ये सेक्शन 6 जो है वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये सेक्शन 6 है यहाँ पे, सेक्शन 6 या 9 समथिंग। यहाँ पे हम लोग को ब्लू मिल चुकी है और इट्स हो, और हमारे मन में ब्लू के लिए अभी थोड़ी सी ज़्यादा जगह हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा हमारा रिस्पेक्ट जो है बढ़ चुका है। उसके पास है म्यू का डिस्क और यहाँ पे वॉट वाटर बैटल करने वाला है इसके खिलाफ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रंट थोड़े से भारी होने वाले हैं और हम लोग को बचाना भी पड़ सकता है यहाँ पे ब्लू को। तो एक अच्छी बात है कि रेड जब बात करता है तो उसका जो टेक्स्ट है रेड के अंदर दिखाई देता है, ग्रीन जब बात करता है तो उसका टेक्स्ट ग्रीन के अंदर दिखाई जाता है, और जो रेड ब्लू जो बात करती है उसका टेक्स्ट ब्लू के अंदर दिखाई जाता है, तो कभी भी आपको पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और टॉरस यहाँ पे आ चुका है तो वॉट टोटल हार चुका है, तो यहाँ पे टॉरस वाले जो ट्रेनर है बोल रहा है कि डिस्क रिटर्न कर दे, लेकिन वो डिस्क रिटर्न नहीं करना चाहती, उसने डिट्टो पर निकाला है और हम लोग उसको सेव करना पड़ेगा, डेफिनेटली उसको सेव करना पड़ेगा गाइस। तो डिड यू कम टू रेस्क्यू मी, नहीं यार ऐसे कुछ नहीं है, ये बंदे बोल रहे थे यहाँ पे मिलने का है, तो आ गया भाई। तो अभी हम लोग ने एक चीज़ तो जरूर कर दी, इसको बचा लिया, लेकिन हम लोग के खिलाफ अभी इतने सारे ग्रंट्स बैटल करेंगे क्योंकि हम लोग ने इतने सारे एनिमीज बना लिए पहले तो। और रैम व्हाट्स हैपनिंग, यू आर सपोज टू अटैक हर, यू मीन इट वॉज दैट माई डिटो, डिटो कैन ट्रांसफॉर्म इन टू एनी थिंग, येस डेफिनेटली डिटो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो हम लोग का जो शाइनी डिटो पकड़ने का सपना था वो तो चला गया, चूर चूर हो गया, लेकिन आपका नहीं हुआ अभी तक, तो डेफिनेटली आप कैप्चर कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जिस मतलब यार जिग्लीपफ फ्लाई करके यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे लगता है इस बंदी के पास ऑलरेडी एचएम्स है और ये बंदी ने बहुत ही ज़्यादा कवर किया है गेम, मतलब हम लोग से ज़्यादा इस बंदी ने कवर किया हुआ है, इसके पास भी बहुत ज़्यादा एचएम्स रहेंगे, तो फ्यूचर में शायद से ये हमारी हेल्प कर सकती है एचएम देने के लिए। तो ब्लू बात कर रही है कि थैंक यू, और उसने हम लोग मतलब बचाने के लिए थैंक यू तो बोली है। ब्रेकिंग चैप्टर खत्म हो चुका है और म्यू हंट चैप्टर चालू हो चुका है, तो हम लोग ऑलमोस्ट इस घर के अंदर है जहाँ पे हम लोग एक्सेस नहीं ले पा रहे, तो इसके वजह से हम लोग एक्सेस नहीं ले पा रहे थे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चेकआउट करेंगे म्यू हंट वाला चैप्टर। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा लाइक बटन प्रेस करके बता सकते हो, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और उसके साथ साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे पोकेमॉन रेड एडवेंचर चैप्टर के, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।